जो हम सोच रहे थे वही होने वाला है, बीजमाई अनबैन होने वाला है। हाँ 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 गाइज, बीजमाई अनबैन होने वाला है 100%। और बीजमाई अनबैन से रिलेटेड बहुत सारे गुड न्यूज निकल के आए हैं जो कि मैं इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो भी लोग बोल रहे थे बार बार बैन एंड अनबैन के ऊपर वीडियो बना रहे हो, तो भाई आप लोग को बता दीजिए, यहाँ पे मैं न्यूज बताता हूँ। तो अगर गुड न्यूज है तो वही अनबैन, और भाई अगर बैड न्यूज है तो बैन। तो यहाँ पे भाई मैं न्यूज कवर करता हूँ, अगर अच्छी न्यूज आएगी तो आप लोग को बताया जाएगा, एंड बैड न्यूज रहेगी वो भी बताया जाएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग भी अपडेटेड रहो एंड आप सभी को भी पता रहे सब कुछ। तो भाई अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो एक लाइक इस वीडियो को कर दें। बाकी बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे सीजन 14 में क्या क्या आने वाला है, उसका लीक्स दिखाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख सकते हो पहले आरपी पे क्या मिलने वाला, ये आउटफिट एंड ये वाइजन की स्किन। भाई ठीक ठाक है वाइजन, और भाई गेम में भी वाइजन बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है आपकी बात। और यार आप लोग यहाँ पे फर्स्ट आरपी का आउटफिट देख सकते हो, एक गर्ल आउटफिट है जो कि सही लग रहा है भाई आपकी बार यहाँ पे। और भाई आगे चलोगे तो और भी रिवॉर्ड्स हैं जो कि फ्री में, भाई जो इमोट आ रहा है वो बहुत अच्छा है। बाकी ये बैकपैक देख सकते हो, ये बैकपैक। बाकी एक बात बताओ, अगर बीजमाई में यूसी नहीं परचेज हो रहा है तो आप लोग इसको परचेज कैसे करोगे? बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आप लोग को 100% गारंटी देता हूँ भाई कोई ना कोई ट्रिक मैं आप लोग को ला के दूंगा यूसी परचेज का, अगर आप लोग करना चाहोगे तो। यहाँ पे और यहाँ पे ये डांस देख सकते हो, ये वाला डांस यार फ्री में 15 RP पे आ रहा है भाई, मस्त सा। बाकी यार आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोग को कोई भी ट्रिक ऐसा पता है कि यूसी परचेज हो जाएगी तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आके आप आपके भाई को भेज सकते हो वो ट्रिक, एंड मैं आप लोग को वहाँ यहाँ पे शाउट आउट दे दूंगा। तो कोई भी ट्रिक पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बाकी इंस्टाग्राम पर आके बता सकते हो। कोई भी ऐसा ट्रिक पता हो तो आके बता देना। बाकी यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर पैराशूट दिख रहा होगा, ये देख सकते हो, ये आप लोग को फ्री में 20 RP पे मिल रहा है। और यहाँ पर स्टैन ग्रेनेड, भाई क्या मतलब क्या बवासीर बना दियो। चलो यार कोई बात नहीं, एक एक आइटम बेकार है। चलो यहाँ पे अब फ्री आउटफिट की बात कर लेते हो, तो फ्री आउटफिट तो आउटफिट जो है वो अच्छा है भाई अब की बार। यहाँ पे फ्री आउटफिट सही सही दे दिए हैं भाई, कम से कम यहाँ पे इसका गॉगल मेरे को अच्छा लग रहा था, ऋतिक रोशन का जो क्रिस 3 आया था उसकी तरह। बाकी यहाँ पे फेस कैम वीडियो बनाना या नहीं कमेंट में ज़रूर बताना, भाई मेहनत लगती है सही में यार, और भाई फेस दिखा के बोलने में शर्म लगता है। बाकी यहाँ पे 30 RP पे जो वोट की स्किन आ रही है यहाँ पे देख सकते हो, और अब की बार यार बगी की स्किन भी आ रही है यार, जैसा मेरे को पता था कि यहाँ पे बगी की स्किन भी आ रही है, तो देखते हैं कहाँ पे मिलता है। बाकी यहाँ पे ये इमोट भाई ये देख लेते हैं कैसा है, तो ये 50 RP का इमोट है भाई, इतना छोटा इमोट 50 RP का, इससे बढ़िया तो 15 RP का जो फ्री वाला है ना वो लग रहा है। बाकी आप लोग बताना आपका कितना आरपी हो गया है, एंड मैं आप लोग को बताऊंगा कितने टाइम में ये एंड होगा जो सीज़न 13 है वो, और भाई आप लोग को कब ये नया वाला रॉयल पास देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे गन स्किन की बात करें तो भाई यहाँ पे म्यूटेंट गन की स्किन मिल जाती है और बैरल की, तो ये दोनों गन की स्किन अब की बार मस्त हैं आ रही हैं। और भाई यहाँ पर अब आउटफिट की बारी आती है, तो आउटफिट भी यहाँ पर ख़तरनाक है अब की वाला भी यार। बाकी यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं हम, तो यहाँ पे कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे हेड गियर, हाँ ये हेड गियर ये मास्क वाक्स है। चलो यहाँ पे ये भी बढ़िया है, 45 RP पे ये एक और मिथिक यहाँ पे जोड़ दिया गया है जो कि मास्क है यार, आप लोग के लिए बढ़िया है जो लोग मिथिक फैशन करना चाहते हैं। बहुत सारे बंदे यार जो रॉयल पास खरीद खरीद के मिथिक फैशन कर रहे हैं, और अब की बार 3-3 मिथिक भाई, मतलब सही है यार अब की बार। भाई आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आप लोग को कैसा लग रहा है, मतलब क्या लग रहा है, सही है रॉयल पास या नहीं? तो मेरे को तो अब की बार सही लगा है रॉयल पास, क्योंकि इसमें 3 मिथिक यार है, एक मास्क है, एक हेड गियर है और एक आउटफिट है, तो ये तीनों भाई यहाँ पे जो है वो मिथिक है। बाकी यहाँ पे सभी लोग पूछ रहे थे भाई रॉयल पास मतलब ये कब एंड होगा एंड कब नया वाला रॉयल पास आने वाला है, तो यहाँ पे वो भी आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग को चलते हैं रॉयल पास पे लेके, तो यहाँ पे 19 तारीख को यहाँ पे आपका रॉयल पास देखने को मिल जाएगा 5:29 पे सुबह में, आप लोग को न्यू रॉयल पास देखने को मिल जाएगा मतलब सीजन 14। और फिर अगर आप लोग इससे पहले RP वगैरह नहीं पूरा की हो तो मैं बोलना चाहूँगा भाई पूरा कर लो, नहीं तो भाई लॉक हो जाएगा भाई, क्या कहते हैं 2 घंटे के लिए लॉक होता है मेरे हिसाब से, 2 या 1 घंटे के लिए। तो भाई जल्दी जल्दी पूरा कर लो, आप लोग बताना मतलब आप लोग का RP पूरा हुआ है नहीं। बाकी चलो मैं आप लोग को यहाँ पे अब गुड न्यूज़ की ओर ले सकता हूँ, बीजमाई बैन एंड अनबैन के ऊपर।
तो आज सुबह मैंने वीडियो अपलोड किया था भाई निगेटिव जो यहाँ पे बैड न्यूज़ था उसके ऊपर भाई डायनमो और बहुत सारे ऐसे क्रोटन हो गए सभी ने बैड न्यूज़ ही दिया था भाई, तो इसीलिए मैंने बैन के ऊपर यहाँ पे वीडियो अपलोड किया था। बट यहाँ पे अभी के टाइम जो न्यूज़ आ रहा है वो गुड न्यूज़ आ रहा है, तो भाई उसको दिखाना बनता है। और ये न्यूज़ भाई बहुत ही अच्छा है। और भाई सबसे पहले बात करें सबसे पहले गुड न्यूज़ की, तो सबसे पहला गुड न्यूज़ निकल के आते हैं हमारे अंतर्यामी भाई की तरफ से। तो यहाँ पे उनका सुन लेते हैं लाइव स्ट्रीम में उन्होंने क्या कहा है। तो ऐसा ही सीन है, थोड़ा दूर है मंजिल अभी, पर इस मंथ कुछ हो सकता है गाइस। ये बड़ी गैरी भाई देखो दिल तोड़ने की क्या बात है, हम तो आपको बस बता रहे हैं कि आपने अगर आज की उम्मीद लगाई थी तो वो हमने आपको बोला था कि आज के लिए इतना, मतलब हम पहले से ही बोल रहे हैं ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड हो जाओ। और हम ये भी बोल रहे हैं कि आने वाले 10 दिन का वेट करो। और BGMI मेरे हाथ में नहीं है भाई, गवर्नमेंट मेरे हाथ में नहीं है और गेम मेरे हाथ में नहीं है। देखो यार यहाँ पे अंतर्यामी भाई ने खुल के बता दिया है भाई कि यहाँ पे 10 दिन बाद या कुछ दिन बाद आप लोग को BGMI अनबैन देखने को मिल जाएगा, बट यार थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे मेरे को भी यही लग रहा है भाई BGMI थोड़ा टाइम लेने वाला है। अब क्यों लेने वाला है वो भी बात कर लेते हैं। देखो यार क्राफ्टन ने टाइम मांगा था भाई गवर्नमेंट से 14 दिन का, तो 14 दिन का टाइम मिला था उनको। 15 अगस्त को उनको यहाँ पे रिवील करना था अपना पूरा जो भी इन्होंने प्रूफ वगैरह कलेक्ट करके रखा था उसको। तो यहाँ पे उस दिन तो यहाँ पे कुछ भी न्यूज़ नहीं आया या रिवील हुआ या बैन हुआ, कुछ भी ऐसा न्यूज़ नहीं आया। और 15 अगस्त के बाद भी गेम चल रहा है, तो मे भी यहाँ पे जो क्राफ्टन है वो यहाँ पे क्या कर रहा होगा भाई, कुछ और दिन का मोहलत मांगा होगा गवर्नमेंट से जो कि इसको मिला भी है, इसीलिए यार BGMI चल रहा है। और भाई यहाँ पे एक और गुड न्यूज़ दिखाता हूँ आप लोग को। देखो यार ये न्यूज़ कुलदीप भाई की तरफ से, इसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों न्यूज़ है। सबसे पहले बात बैन क्यों है, तो भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जैसे पबजी बैन हुआ था डाटा लीक की वजह से, वैसे BGMI भी बैन हुआ है। बट यहाँ पे जो टेंसेंट के प्रति यहाँ पे एक्शन लिया गया था उस तरह भाई BGMI के प्रति बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई फोर्स कर रहा है जो BGMI या गेमिंग कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करता, उनकी तरफ से फोर्स किया जा रहा है BGMI को बैन करने के लिए। और इनकी तरफ से और भी चीज़ बोला गया है जिसे गवर्नमेंट भी नहीं चाहता था बैन हो यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे लाइन देख सकते हो, द गेम विल बी बैक, भाई गेम जरूर वापस आएगा, यहाँ पे इनका भी कहना है। अब भाई जोनाथन भाई की बात करें तो वो तो ई स्पोर्ट खेलते, तो उनको भाई बहुत ज़्यादा दुख है और ये वेट भी कर रहे हैं यार। और भाई ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी गेम वापस आ जाए, तो इसीलिए ये ट्वीट करते रहते हैं भाई कुछ अपडेट दो वगैरह वगैरह। एंड बस यार यहाँ पे एक और ट्वीट है जो कि यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आप लोग। तो ये भी CEO है ई स्पोर्ट के, एंड इन्होंने 100% कहा है कि गेम वापस आएगा। तो भाई यहाँ पे सारे पॉजिटिव न्यूज़ थे जो कि मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। और मेरे को भी लगता है BGMI कम बैक करेगा, और यहाँ पे आप लोग को थोड़ा वेट या पेशेंस की ज़रूरत है। तो भाई जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ जो भी यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ था वो कैसा था। और भाई अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दो फटाफट से। अगर कोई भी यहाँ पे बैड न्यूज़ या गुड न्यूज़ आता है तो आपको आपका भाई जल्दी से बताएगा। आप लोग यार वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो एंड लाइक कर दिया करो, बस यार थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे कमेंट्स में बता सकते हो आप लोग कि आप लोग को फेस कैम वीडियो चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने अभी आज ही अपलोड किया था। जो कि नहीं देखे हो तो जाके देख सकते हो, वो इससे पहले अपलोड किया था। ठीक है, बस यार आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।